माता ने कहा, उन्होंने मुझे संकेत दिया है, किंतु उपाय तो मुझे ही ढूंढना होगा। विलंब नहीं कर सकता मैं, मुझे यथाशीघ्र उपाय ढूंढना होगा। अभी तक भीतर है वानर, कहीं भीतर ही भीतर। इसे कोई युक्ति तो नहीं सूझ गई। सतर्क रहो निकुंभ, अत्यंत चतुर है ये वानर। माता ने कहा था कि राजा के पुण्य और पाप सबके भागीदार प्रजा भी बनेगी। प्रजा इसलिए निद्रा मग्न है क्योंकि राजा भी गहन निद्रा में है। किंतु राजा को इस अवस्था में पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? अवश्य ये किसी ऐसे दुष्ट का कार्य है जो प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ को सफल होते नहीं देखना चाहता। समझ गया, ये उसी दुरात्मा निकुंभ का दुष्कृत्य है। अवश्य वो दुष्ट असुर यही कहीं होगा। प्रतीत होता है यही छुपकर मुझ पर दृष्टि बनाए हुए था। ये मेरे मुख से अपना नाम सुनकर बाहर चला गया। अवश्य कहीं छिपकर बैठा होगा वो दुष्ट। प्रणाम माता। देवेश्वरी, हनुमान ने तो ये ज्ञात कर लिया है कि इन सब के पीछे कौन है, किंतु वो राजा सुमत को निकुंभ के प्रभाव से मुक्त कैसे करेगा? स्वामी, विद्वान गुणी अति चातुर है मेरा पुत्र हनुमान। वो युक्ति तो निकाल ही लेंगे। जैसे लौह को लौह से ही काटा जा सकता है, विष का उपचार विष से ही हो सकता है, वैसे ही छली निकुंभ को छल से अपने समक्ष लाना होगा मुझे। निकुंभ, प्रभु कृपा से बुद्धि और बल में तो ये राम भक्त तुमसे अधिक समर्थ है ही। अब देखते हैं छल में कौन किस पर भारी पड़ता है। कैसे पूर्ण करूं राम काज को मैं? उसे तो असंभव कर दिया उस दुष्ट असुर निकुंभ ने। वो अवश्य ही यहाँ अपने दुष्प्रभाव का संचार कर यहाँ से कहीं दूर जाकर छिप गया है। अब तो राजा को उनके निद्रा से जगाने का कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास। हे प्रभु, ये मरकट अब इसकी वानर बुद्धि में क्या उपज रहा है, क्या कर रहा है ये? मैं तो कभी भी राम काज में असफल ही नहीं हुआ, किंतु यहाँ तो मैं राजा आज्ञा बिना अश्व को ले जाने के लिए राजभवन में प्रवेश भी नहीं कर सकता। अर्थात मेरे प्रभु श्री राम का यज्ञ अधूरा ही रह जाएगा। कौन सा मुख लेकर जाऊंगा मैं मेरे प्रभु के पास? राम काज में असफल इस निरर्थक जीवन जीने से तो उत्तम होगा कि मैं अग्नि में ही समा जाऊं। सखा, और लकड़ियां एकत्रित करो। ज्ञात है मुझे, अब पर्याप्त है ये चिता बनाने के लिए। सखा, तो मैं कहां संकोच करता हूं, आज अपनी मृत्यु का वरण करके ही रहूंगा मैं। आत्मदाह के लिए काष्ठ तो मैंने जुटा ली, किंतु इस अपरिचित सुप्त नगरी में चिता प्रज्वलित करने के लिए अग्नि कहां से लाऊं? मैं किससे मांगू अग्नि? आनंद आ रहा है मुझे इस वानर का रुदन सुनकर। कोई तो अग्नि प्रदान करो मुझे। हे अग्नि देव, कृपा करके आप ही अग्नि की वर्षा कर दीजिए। सूर्य देव, आप तो मेरे गुरु हैं, आप ही मेरा विलाप सुनकर मुझ पर कृपा करें। अंततः
इस मरकट हनुमान ने अपनी पराजय स्वीकार कर ही ली। अब आत्मदाह करने पर तुला है। निकुम हूं मैं, मेरा काटा जल भी नहीं मांग पाता। आप में से कोई भी मेरी सहायता नहीं करेंगे तो मैं आत्मदाह कैसे करूंगा? अच्छा, आप स्वयं नहीं आ सकते तो किसी और को यहाँ भेज दीजिए। कोई तो सुन लीजिए मेरी गुहार। यहाँ कौन आकर इसे अग्नि दे सकता है? यहाँ तो सभी निद्रा मग्न है। कहीं अग्नि के अभाव में ये मरकट आत्मदाह का अपना निर्णय परिवर्तित न कर दे। अग्नि चाहिए ना इसे, मैं ही दे देता हूँ इसे अग्नि। मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, परंतु आज मांगता हूँ। स्वर्ग में स्थापित देवी देवता किसी भी रूप में आकर मुझे अग्नि देने की कृपा करे। अग्नि चाहिए तुम्हें? मेरे छलावे में फंसकर मेरे समक्ष आ ही गए तुम दुष्ट असुर। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। अपनाई वजरंग चतुराई, स्वयं ही राक्षस सम्मुख आई। हनुमत छल से छल उपचारी, को संकट महावीर पे भारी। हाँ माता, आपको ज्ञात नहीं है माता कि आप मुझ पर कितना बड़ा उपकार कर रही हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद। ये लो पुत्र। तो ये इस वानर का छल था। धन्यवाद मेरे समक्ष आने के लिए निकुंभ। तुम्हारे सिवाय यहाँ और कौन अग्नि ला सकता था? छल किया है मेरे साथ मरकट, किंतु छल कर भी अपनी समस्या का हल नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ का राजा जब निद्रा से उठेगा तभी तुम्हारा कार्य सिद्ध होगा। राजा निद्रा से मुक्त भी होंगे और मेरा कार्य भी पूर्ण होगा दुष्ट, क्योंकि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारी कौन सी माया का प्रभाव है उन पर। तुम ये ज्ञात भी कर लोगे तो भी कोई लाभ नहीं होगा मरकट। सुनो, माया का महारथी हूं मैं। मेरे लिए ये अत्यंत सरल कार्य को राजा सुमद ने और भी सरल बना दिया था। प्रणाम महाराज। प्रभु श्री राम की सेना उनके अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ हमारे राज्य की सीमा पर पहुंचने ही वाली है। ये तो अत्यंत ही सुखद समाचार है माता, ये अत्यंत सुखद समाचार है माता। किंतु मेरी नवीन माया अशुभ समाचार बनेगी। वो यहाँ आ रहे हैं माता, माता वो यहाँ आ रहे हैं, माता वो आ गए, माता 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 वो आ गए, माता वो आ गए, माता महाराज आपके चरण, माता वो आ गए, माता माँ माँ वो घड़ी आ गई माँ। बस बिना पांव धोए अशौच में पूजा स्थल पर जाने की छोटी सी सहायता कर दी थी राजा ने। ऐसा करने वालों को राक्षसी और आसुरी प्रवृत्ति से ग्रसित होने से कौन रोक सकता है? मंदिर में प्रवेश मेरे लिए कठिन था, किंतु राजा के मैले पद चिन्हों ने मुझे अपनी मायावी शक्ति का परिचय देने के लिए अवसर दे ही दिया। प्रणाम माँ। ऐसे इस पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकूंगा मैं, किंतु अपवित्रता को ढाल बनाकर तो भीतर जा सकता हूँ मैं। अंततः वो शुभ दिवस आ ही गया माँ, जिसकी चर्चा आपने मुझसे की थी माँ। राजन, आपको गहन निद्रा आ रही है। मैं
मैं निद्रामग्न होना चाहता हूँ। उसके वरदान को अभिशाप में परिवर्तित कर दिया निकुम्भ ने, जो उसके साथ उसकी समूची प्रजा के लिए भी अभिशाप बन गया। सोच सोच कर सोच का वार करता हूँ मैं, जो सोचा वो किया मैंने। मेरे प्रभाव से राजा प्रजा सभी सो गए। अब तुम भी विलंब मत करो मरकट, मेरे हाथों से अग्नि लेकर तुम भी उसी में समाहित हो और चिर निद्रा में लीन हो जाओ, क्योंकि राम काज तो अब तुम कभी भी संपन्न नहीं कर सकोगे। छोड़ दो मुझे मरकट, छोड़ दो। राम काज तो पूर्ण होकर ही रहेगा। काकाश्री, प्रतीत होता है कि भीतर हनुमान जी भीषण युद्ध कर रहे हैं। हमें भी जाकर उनकी सहायता करनी चाहिए। पुत्र, हनुमान जी ने क्या कहा था पुत्र? उसे स्मरण रखो, आवेश में आकर नहीं अपितु स्थिति को भली भांति समझकर ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये दुष्ट तो बचकर भागने की चेष्टा कर रहा है। सखा, इसी के द्वारा लाई हुई अग्नि से ये चिता प्रज्वलित करता हूं। अपनी काली माया से राजा को मुक्त करो दुष्ट, अन्यथा तुम्हें इसी अग्नि में भस्म कर दूंगा। ये दुष्ट स्वयं अग्नि में क्यों कूद गया? काकाश्री, अवश्य कोई अनर्थ घटित हो रहा है। अग्नि तो मेरी शक्ति है मूर्ख मरकट। अच्छा किया जो मैंने उसे अंतिम उपाय के रूप में तुम्हारे विरुद्ध बचा कर रखा था मैंने। अब देखो मैं कैसे अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा और इन सभी मूर्छित बड़े मनुष्यों के प्राण भी इनसे छीन लूंगा। जो भी रूप धर लो दुष्ट, तुम कितने भी शक्तिशाली बन जाओ, राम काज में बाधा उत्पन्न करने वाले को हनुमान मिटाकर ही रहेगा। मिटाओगे तो तब, जब तुम्हारे शरीर में तुम्हारे प्राण शेष बचेंगे मरकट। मैं तुम्हारे प्राण ही सोख लूंगा। अब मैं नहीं रुकूंगा काकाश्री, मैं हनुमान जी की सहायता करने भीतर जा रहा हूँ। पुष्कल, पुष्कल!
शक्तिशाली हो ना तुम वानर, किंतु मैं निकुंभ हूँ, महाबली कुंभकर्ण का बेटा, जो महाबली भी है, महामाया भी है। मेरी मायावी शक्तियों के सामने तुम्हारी एक नहीं चलेगी। तुम्हारी देह से तुम्हारी आत्मा को ही सोख लूंगा मैं। हनुमान जी को संकट से बचाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। यदि हनुमान की आत्मा को इस मायावी असुर ने सोख लिया तो ये असीमित शक्तियों से संपन्न हो जाएगा और तब ये अवश्य ही इस संसार में धर्म का नाश कर देगा। हनुमान जैसे महाबली और दिव्य शक्ति संपन्न योद्धा को भी ये असुर विवश कर रहा है कि आज धर्म और भक्ति की शक्ति इस मायावी असुर के समक्ष परास्त हो जाएगी। दीपक की ज्योति सूर्य के ताप को नहीं निगल सकती, सागर नदी में नहीं समा सकता। पवित्र आत्मा है हनुमान, भक्ति की ज्योति से ओतप्रोत हनुमान की आत्मा को इस प्रकार सोख लेना किसी असुर या देवता के वश में नहीं हो सकता। मेरी देह से आत्मा सोखना है तो मैं देह ही तुम्हारे पास ले आता हूँ। कैसी अग्नि है ये? ये एक भक्त की आत्मा की दिव्य अग्नि है दुष्ट, जिसके स्पर्श मात्र से तुम जैसे असुर होम हो जाते हैं। ये तो भस्म कर देगी मुझे। भयभीत क्यों हो गए? आओ सोख लो मेरी आत्मा। भले ही तुम्हारी आत्मा को मैं नहीं सोख पाया किंतु तुम्हारा नाश अवश्य करूंगा मैं, और इसके लिए चाहे मुझे इस राज्य के सभी मनुष्यों की आत्मा को उनकी देह से सोखना पड़े तो अवश्य सोखूंगा मैं। क्या पर्वत तो मेरा मार्ग अवरुद्ध कर रहे हैं। पुष्कल, तुम कुछ भी कर लो पर्वतों, किंतु मुझे हनुमान जी की सहायता करने जाना है। उन तक पहुंचे बिना मैं नहीं रुकने वाला। बालक बड़े हठी होते हैं, उन्हें कैसे रोकना है ये भी भली भांति ज्ञात है हमें। मुश्किल! शिला इस ओर आ रही है, हट जाओ। ये क्या हो गया पुष्कल? तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या उत्तर दूंगा भरत भैया को? निकुंभ! बस बहुत हो गया, मैं तुम्हें किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाने दूंगा। जय श्री राम।
शक्ति चाहिए तुम्हें? ये लो मेरा शक्तिशाली मुष्टि प्रहार। निकम्भ, तुम्हारी अब कोई माया काम नहीं आने वाली। पीछे से वार कर रहे थे ना तुम कायर, अब शीघ्र इन सबका सम्मोहन तोड़ो, अन्यथा तुम्हारी ग्रीवा तोड़ दूंगा मैं। छोड़ मत काट। ये ऐसे नहीं मानेगा। इसकी शक्ति कम करूंगा तभी इसकी माया क्षीण होगी, तभी राजा एवं प्रजा का सम्मोहन टूट पाएगा। जब पुष्कल वही पत्थर के अंदर दबकर मर जाएगा और तुम यही उलझे रह जाओगे। परिस्थिति अनुकूल होगी या प्रतिकूल, ये व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे या बुरे कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए हमें सदा सत्य कर्म और धर्म संगत कार्य करना चाहिए।